बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या मार्केट के अंदर अपडेट्स आ रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो आपके साथ कवर करेंगे, और मार्केट की क्या सिचुएशन है, बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले वो बात करेंगे। बिटकॉइन की जहां तक बात करते हैं, आप देख रहे हो $30,000 पिछले 10 दिन के अंदर हम दो बार $30,000 पे आए, तीन बार, एक बार अभी कुछ दिन पहले आए थे और कल रात को फिर से $30,200 को हिट किया बिटकॉइन ने। लेवल नीचे आए 29,500-29,600 तक लेवल चल रहे थे, अभी बिटकॉइन फिर से पहुंच चुका है 30,000 के लेवल पे। और ये सब कब हो रहा है, जब एक इम्पॉर्टेंट डेट यहां पे आने वाली है, कल की इम्पॉर्टेंट डेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 30,000 का लेवल बिटकॉइन ने क्यों हिट किया, इतना बड़ा गेम मार्केट में क्यों हुआ, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। $30,000 पे इथीरियम है और $30,000 पे बिटकॉइन है। इथीरियम की बात करें तो 1800 की जो रेंज है, 18-19 के बीच में ही बना हुआ है, ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट इथीरियम में नहीं देखने को मिल रहा। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूवमेंट नहीं आ रहा है। ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है, ऑल्ट कॉइन्स में मूवमेंट नहीं है। अगर ऑल्ट कॉइन्स में मूवमेंट होता तो मार्केट बुलिश होती, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट कवर करेंगे। सबसे पहली अपडेट आ रही है एप्टोस की तरफ से, अभी 18-20% प्राइस बढ़ चुके हैं एप्टोस के। और क्यों बढ़े हैं, रीज़न क्या है, आपको पता सोलाना की पार्टनरशिप हुई माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अभी ANKR की भी हुई थी पिछले कुछ महीनों में माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की पार्टनरशिप हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, चाहे वो AI को लेके हो, पेमेंट सॉल्यूशंस को लेके हो, और ऐसी एक पार्टनरशिप हुई है एप्टोस की। एप्टोस और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप जैसे अनाउंसमेंट होता है वैसे ही एक बड़ी कैंडल यहाँ पे लेके जाती है एप्टोस को 18-20% के ऊपर। अभी 16% ग्रीन में चल रहा है एप्टोस, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेवल फिर से नीचे जाता हुआ दिखे और फिर से आपको अप जाता हुआ दिखे, क्योंकि एप्टोस वही कॉइन है जो जनवरी मंथ के अंदर इतना ज़्यादा पंप हुआ था। आप सबको याद होगा गाला गेम्स और एप्टोस जनवरी 2023 के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे थे। पहली अपडेट तो ये हो गई। सेकंड अपडेट आ रही है बिटस्टैम्प एक्सचेंज की तरफ से। बिटस्टैम्प की जहां तक हम बात करते हैं, बिटस्टैम्प ने US कस्टमर्स के लिए कुछ कॉइन्स की ट्रेडिंग जो है, कुछ कॉइन्स को एक तरह से सस्पेंड कर दिया US कस्टमर्स के लिए, US के यूजर्स के लिए। उनको यहां पे अब इन कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करने को नहीं मिलेगा अगर वो बिटस्टैम्प एक्सचेंज यूज करते हैं तो। और ये कॉइन्स कौन कौन से हैं, चिलीज है इसके अंदर, माना है, सैंडबॉक्स है, मैटिक है, और ये कुछ गिने चुने कॉइन है, सोलाना भी इसके अंदर है, ठीक है। तो इन सब की जो है ट्रेडिंग यहाँ पे सस्पेंड करने का डिसीजन लिया है बिटस्टैम ने US यूजर्स के लिए। थर्ड अपडेट आ रही है डॉज कॉइन को लेके। आप देख रहे हो शिबा इनू का मार्केट के अंदर मूवमेंट चल रहा है और डॉज कॉइन का मूवमेंट नहीं है। आप कुछ दिन पीछे चलें तो डॉज कॉइन का मूवमेंट ज़्यादा था, शिबा इनू का कम था, अब उल्टा हो चुका है, शिबा इनू का मूवमेंट ज़्यादा है, डॉज कॉइन का कम है। लेकिन एलोन मस्क का एक ट्वीट याद रखिएगा, समथिंग स्पेशल कमिंग सून। तो भैया उस ट्वीट के अंदर कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो डॉज कॉइन को लेके मिल रहे हैं। अब शिबा इनू ऑलरेडी मोमेंटम दिखा रहा है तो डॉज कॉइन में भी मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। तो डॉज कॉइन के ऊपर नज़र रखें और एलोन मस्क का जो भी समथिंग स्पेशल आएगा डॉज कॉइन के लिए वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आ रही है इंडिया की तरफ से, STA टोकन, एक ऐसा कॉइन मार्केट के अंदर जिसने इतना बड़ा स्कैम किया। पोंजी स्कीम की बात हम करते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे पोंजी स्कीम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं और वो इतना बड़ा स्कैम करके निकलते हैं। आपने वन कॉइन के बारे में सुना होगा, वो सबसे बड़ा स्कैम था क्रिप्टो का, लेकिन इंडिया के अंदर 1,000 करोड़ रुपये का, $120 मिलियन, 1,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम हुआ है STA टोकन के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं नए क्रिप्टो रिटर्न तो देते हैं लेकिन सभी रिटर्न नहीं देते, थोड़ा सा समझना, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे भी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं जहां पे क्रिप्टो स्कैम करके चले जाते हैं, है ना।
तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दें और स्कैम से बचें। और ये बहुत बड़ा स्कैम है 1000 करोड़ रुपए का। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू का मोमेंटम अभी तक चल रहा है ठीक ठाक, ठीक है, और अब वो घड़ियाँ, वो पल नज़दीक आ रहे हैं जब शिबा इनू का शिबेरियम मार्केट में लॉन्च होने वाला है 15-16 अगस्त, ठीक है, पूरे चांसेस हैं। डेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है शिबा इनू के लिए, और शिबा इनू की लॉन्चिंग, मतलब शिबा इनू का जो शिबेरियम है वो आपको लॉन्च होता हुआ दिखने वाला है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, पंप का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा शिबा इनू से कि बड़ा पंप आएगा या बड़ा जंप आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शिबा इनू के इकोसिस्टम में भी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, चाहे वो शिबा इनू का बॉन टोकन हो या शिबा इनू का लीश कॉइन हो, साथ के साथ शिबोशिस एनएफटीज में भी अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ हमको दिख रहा है। तो एक तरह से शिबा इनू इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसका इकोसिस्टम भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है इस हाइप के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें शिबेरियम आने का, और मे बी जो बड़े रिजल्ट हैं वो शिबेरियम के बाद ही हमको देखने को मिले। जो बड़ा पंप है या बड़ा जंप है वो शिबेरियम के बाद ही देखने को मिल सकता है शिबा इनू के अंदर, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।